नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। और कल हमने आपको दिखाई थी ऑटो में अशोक वाटिका, आपने देखी ही थी, खूब सराही भी। अगले एक हफ्ते बाद 22 अप्रैल को पूरी दुनिया विश्व पृथ्वी दिवस मना रही होगी, और हम भी आपको दिखा रहे हैं, लगातार मिलवा रहे हैं उन लोगों से जो लगातार इस धरती को और सुंदर हरा भरा करने की जिद में लगे हैं। जिद में इसलिए क्योंकि लगातार इस शहर में वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है कि यहाँ पर्यावरण पनप ना पाए, यहाँ लगातार पॉल्यूशन का साम्राज्य हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस शहर की आबो हवा दुरुस्त हो। हमारे साथ हैं समर्थ खन्ना हैं, और ये पढ़ के देख लें आप, मिनी फॉरेस्ट लिखा है यहाँ। सेक्टर 15 में हम लोग फिलहाल खड़े हैं और मिनी फॉरेस्ट के बाहर हम लोग खड़े हैं, आपको मिनी फॉरेस्ट भी दिखाएंगे और समर्थ से बात करेंगे। समर्थ थोड़ा सा दिखाओ यार, बार बार दिखाते हैं लेकिन आज ये जो सप्ताह है, पूरा सप्ताह है, इसे हम पृथ्वी दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये देखें फरीदाबाद, आप ये पूरा जंगल बन गया है यहाँ। सो अभी मिनी फॉरेस्ट में जहाँ आप खड़े हैं तो आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे जंगल एक तरीके से तालाब को मिलता है। ये तालाब है और आप तालाब में देखिए इतनी गर्मी है, गर्मी का टाइम, और उसमें भी जो हमारा तालाब है वो लबालब भरा है, और वो भी नेचुरल तरीके से, और उसके साथ साथ ना केवल पानी भरा है, उसके अंदर लाइफ है, राइट। आप देखिए कमल के फूल खिल रहे हैं, ठीक है, जगह जगह इसके अंदर आपको ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई दिखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ दिन के टाइम में गर्मी जब होती है यहाँ पे चिड़िया नहाने आती हैं दोपहर के, और शाम का टाइम आप सुन सकते हैं बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। कितने परिंदे हैं यहाँ समर्थ? यहाँ पे हमारे पास 48 स्पीशीज हैं परिंदों की, तो हम प्रजातियों की गणना करते हैं यहाँ पे हर साल, और उसके अंदर हमें ओवर द ईयर्स बढ़ोतरी मिली। तो 2017 में ये पूरा गार्बेज यार्ड हुआ करता था, तो मैं और जो हमारे फ्रेंड्स थे हमने सोचा कि क्यों ना इसको क्लीन करके कुछ किया जाए शहर के लिए। आफ्टर ऑल ये हमारा शहर है, हमारी जिम्मेदारी, हमारा कचरा जो यहाँ पे फेंका जाता था उसको अपने हाथों से हमने साफ किया और वहाँ पे आज एक जंगल बना के दिया है। और इस जंगल की ये बात है कि आज का जो सीज़न है, जो आजकल का चल रहा है, वो नेस्टिंग टाइम का है। बर्ड्स जो हैं बरसातों से पहले अपना प्रजनन करती है और घोंसले बनाने की एक्टिविटी करती है, ताकि जस्ट बारिश आती है उनके चूजे रेडी हो और खूब सारे कीड़े मकोड़े हों। वो टाइम बहुत ज़रूरी है, और वो टाइम में अभी हम आज यहाँ पे भी मैं शाम को आया हूँ इसलिए देखना है कि यहाँ पे कौन सी चिड़िया ऐसी जो घोंसले बना रही है। तो इस बार हमें देखने को मिला इस साल भरपूर मात्रा में बुलबुल खास करके, और कोयल वो यहाँ पे अपना घोंसले का काम कर रही है, और इस साल फिर से कई सारे और पक्षी जो है हवा में उड़ान भरेंगे मिनी फॉरेस्ट के पेड़ों में बढ़ के। आप देखिए, आप पौधे दिखाएं, आप हम बात करते रहेंगे, समर्थ बोलते रहेंगे जी। आप जंगल का घनापन देखिए कितना जबरदस्त है। सो इस जंगल के घनापन के अंदर ही जो चिड़िया है बहुत अपने आप को महसूस साबित करती है। आप देखिए पेड़ तो बहुत लोग लगाते हैं, बट जंगल हमें इज द नीड ऑफ द आवर, जो हमें चाहिए, क्या वो पेड़ हमें देगा क्या? क्या वो प्रकृति को कुछ देगा? इज इट ऑफ एनी यूज टू मदर नेचर? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो वही सवाल है जो मिनी फॉरेस्ट ने उठाया है और उसका जवाब भी दिया है कि अगर पौधे लगाने हैं, प्लांटेशन करनी है, तो कैसी करनी चाहिए? पौधे ऐसे हों जो देसी हों, ऐसे एग्जॉटिक बाहर की फॉरेनर स्पीशी नहीं होनी चाहिए। हम फरीदाबाद में क्यों ना हम अपने यहीं पे मूल रूप से पाए जाने वाले हरियाणा में प्रजातियाँ उनको क्यों ना लगाएं? जैसे कि आप ये जो सामने झाड़ी देख रहे हैं, इस पे भी बहुत कुछ दिन पहले बहुत सुंदर व्हाइट कलर का फूल आया था, उसके बाद अब इसमें बीज बन रहे हैं। आप देखिए जंगल तो हमने, पेड़ कौन सा है? इसको बोलते हैं रूस, राइट, और इसको देसी भाषा में बोलते हैं बांसा, और बांसा, और बांसा की जो ये प्रजाति है इट इज़ अ वेरी यूजफुल स्पीशीज, खासतौर पे जिनको गले की प्रॉब्लम है। आप देखिए अस्थमा से जूझता हुआ एक और शहर है और उसके अंदर ये प्रजाति खूब फल फूलती है, और ये प्रजाति को आप देखिए कहीं देखने को नहीं मिलती। तो ऐसी झाड़ियाँ जो हैं इन्हीं के अंदर चिड़ियाँ जो हैं, अलग अलग तरह के जो प्राणी हैं, वो छुप के रहना पसंद करते हैं। आगे से हम आपको और कुछ सुंदर चीज़ें दिखा, आइए आइए। और फरीदाबाद ये आप देख ही रहे हैं, हम लोग लगातार आपको लेकर आ रहे हैं। ये पढ़ लें, ये बहुत सुंदर लिखा है यहाँ। When all trees are cut, when all animals are killed, when all resources are polluted, that's when man will understand that he can't eat money. पैसा नहीं खा सकता है आदमी, जब ये सब खत्म हो जाएगा ये बात तब समझ में आएगी आदमी को। और पैसे की बात करिए, और पैसे सबसे ज़्यादा खर्च भी लोगों की अपने आप अपनी बीमारी ठीक करने पे होता है। आप देखिए मिनी फॉरेस्ट में हमारे पास ये पेड़ है अर्जुन का, लोग इनकी छाल ढूंढते हैं जिनको स्पेशली हार्ट डिजीजेज हों, राइट, हार्ट में ब्लॉकेज हो, उसको कहीं तरीके से ट्रीट करना है, उसके लिए काफ़ी सारे लोग कहते हैं आयुर्वेद की अर्जुन की पेड़ की छाल यूज़ करनी चाहिए। आप ये देखिए छाल ऑटोमेटिकली कैसे चिप्स की तरह निकल के आ रही है। सो जो प्रकृति हमें काफ़ी सारी दवाइयाँ देती है, काफ़ी सारे हमें बेनिफिट। इस शहर में अभी हमने दो दिन पहले वरुण चौकंद के साथ एक इंटरव्यू किया था, 5,000 लोग हैं इस समय जो कैंसर से पीड़ित हैं इस समय इस शहर में।
टेरिबल। अगर ये हमें जगा, देखिए कैसे घोंसला बनाने का घोंसला प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। हाँ, कहीं से तिनके लाती है, रुई लाती है, और पता नहीं आप छोटी छोटी चीजें। मिनी फॉरेस्ट के अंदर घोंसलों की भी हमने बात करी। एक बहुत बड़ा सवाल है, चिड़िया घोंसला बनाती किस चीज़ से है? बड़ी दुख की बात है, जिस पीढ़ी में मैं पैदा हुआ, हमने चिड़ियों के घोंसलों में प्लास्टिक, पॉलीथीन, तारे, चम्मच, ये सब देखा है। ज़्यादा जो गाड़ी पहुँचने वाला कपड़ा होता है उससे भी। और उसका कारण ये है कि हमारे शहर से जंगली जो घास हुआ करती थी वो गायब हो। हमने जो अगर ध्यान भी डाला सिर्फ पेड़ों पे या कुछ सुंदर दिखने वाली प्रजातियों पे ही डाला। सो क्यों ना ऐसा जंगल बनाया जाए जहाँ पे पक्षियों के लिए भी हो। हमें धरती माता से पूछना चाहिए उसको क्या चाहिए, और अकॉर्डिंगली वी शुड एक्ट। देखिए यहाँ पे घोंसले बनने की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। आपको अगर जंगल भी दिखाई देता है, आपको इसमें ना वेरियस लेयर्स दिखाई देंगे। आपको टॉप में एक पेड़ दिखेगा, उसके नीचे उससे छोटा पेड़ दिखेगा, और लास्ट में ज़मीन पे आपको झाड़ियाँ, घास दिखेगी। देखिए तितलियाँ आनी शुरू हो गई, वहाँ पे तितली बैठी हुई है। ये तितलियों की बार में आया था तो वो नीले रंग की एक तितली थी, बिल्कुल। इस बारी टुडे इट इज़ ब्लैक एंड रेड, इट इज़ नोन एज द कॉमन रोज बटरफ्लाई, सो दैट यू गेट टू सी है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने काफ़ी सारे पेड़ों के नाम भी लिखे हैं ताकि कोई जो लोग आना चाहें तो उनको पता भी हो। हालांकि इस पे भी और काम करने की ज़रूरत है हमें कि ये जंगल में लोग आए तो उनको पता भी होना चाहिए कि वो किस चीज़ को देख रहे हैं, क्या जान रहा है। देखिए पेड़ों को हम इकलौता समझते हैं, बट पेड़ के साथ साथ उनके साथ पे चलने वाली बेल होती है, हम वो भूल जाते हैं। लताएँ, वल्लरियाँ, जी वल्लरिया, और इसका नाम ही सच्ची में वैलरिस है, वल्लरिया आपने नाम दिया। और आप देखिए बेलों का क्या काम जंगल में, पेड़ होते हैं, हम देखते हैं आंधी तूफान होता है, कई सारे पेड़ शहर में गिर जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि हमारे पास शहर में बेल नहीं है, राइट। अगर ये बेलें होती जो जंगल में ऑलरेडी होती है नेचुरली, वो पेड़ों को गिरने से बचाती। ये गमहर का पेड़ है, ये फरीदाबाद के जंगलों से गायब हो गया अनफॉर्चुनेटली, जो माइनिंग चली। कीकर आई यहाँ तो केवल कीकर रह गई। और एक नया चलन मैं देख रहा हूँ, नहर पार जो नई सिविलाइजेशन आ रही है वहाँ तो वो खजूर के पेड़ लगा रहे हैं। मतलब आप सोच के हैरान हूँ, गल्फ कंट्रीज में समझ में आता है, आप फरीदाबाद को दुबई क्यों बना देना चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। ये यमुना और अरावली के बीच का हिस्सा है, और बहुत सुंदर इलाका है, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, पहाड़ और दरिया दोनों एक साथ हैं। मतलब इतना इस शहर को ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर की, नेचर की, लेकिन इसके बावजूद आप इसे दुबई बना देना चाहते हैं। आप देखिए वोकल फॉर लोकल होने की बात बहुत लोग करते हैं, और जब वो बात है हमें अपने प्रेम होना चाहिए अपने खुद की जो देसी प्रजातियाँ हैं उनसे भी, और उनसे बेटर कोई नहीं। आप देखिए हम लोग लिटरली रोज़ कितना सारा पानी निकालते हैं ज़मीन से, धरती से, और वो सारा कितना ज़्यादा हम गार्डनों में बहा देते हैं। आप देखिए मिनी फॉरेस्ट के अंदर 2017 में हमने शुरू किया था, और पिछले 4 साल से यानी 2018 के बाद हमने यहाँ पर पानी ही नहीं डाला है। आप देखिए जंगली प्रजातियाँ जब हमने लगा, हमने पानी भी बचाया, हवा भी साफ़ हो गई, और अभी अपने आप में छोटा सा नेचर वाइल्ड लाइफ रिजर्व बन गया। जहाँ तक गमर की बात है, गायब हो गया शहर से, बट हमने इसको वापस लेके, 4 साल का है और आज ये 30 फुट की ऊंचाई पे है। उसके साथ साथ इस पर फूल आ रहे हैं, और अब कुछ दिनों में बीज भी लग जाएंगे। सो ऐसा जंगल जो हमने लगाया, बट अब वो अपने आप को फिर पुनर्जीवित कर रहा है, अपने आप अब फल दे रहा है, और उसके बाद हम देखते हैं छोटे छोटे कहीं ना कहीं उगाते हैं तो जंगल अपने आप को रिफ्रेश कर रहा है। देखिए पतझड़ का मौसम आ गया है, और पतझड़ के मौसम पे कितने सारे बीज लगे हुए हैं। ये कृष्ण कदम का पेड़ है, जब ब्रज की मूवी में जाएं तो कृष्ण जी इन्हीं के नीचे अपनी लीलाएं किया करते थे। वो पेड़ कहाँ गए वो पेड़, ऐसी पेड़ों को हम ढूंढ। कदम का वृक्ष माँ होता यमुना तीरे, राइट राइट, वही कई। अब उन पेड़ों को अगर बचाना है तो हमें उनको अपने गार्डन्स में लाना पड़ेगा, अपने शहरों में लाना पड़ेगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा काम कोई और करेगा, इट इज़ आर जॉब एंड आर ड्यूटी, और हमें करना चाहिए। यहाँ से हमारा ग्रासलैंड एरिया शुरू हो जाता है, जहाँ पे आप देखते हैं एकदम से जो घना जंगल है वो एक घास मैदान के क्षेत्र का नाम ले लेता है। और कारण यह है कि यही एरिया है जहाँ पे जो पक्षी हैं अपना घास के बीज जो खाना पसंद करते हैं, और साथ साथ घास के सूखे तिनके, इन तिनकों को ही ले जाके वो बुन के अपना घोंसला बनाते हैं। तो घोंसलों के लिए, चिड़ियों के लिए, चाहे पौधे बड़े हों छोटे हों, दे आर ऑल इक्वली इम्पॉर्टेंट। पेड़ों के साथ साथ होने वाली घास। नई कोपलें आ गई इस पेड़ पर, ये देखें, ब्यूटीफुल। इसको बरना या वरुण का पेड़ बोला जाता है, इट इज़ अगेन अ वेरी सेक्रेट ट्री। और इसमें आप देखिए फूल आ रहा है कितना सुंदर, ऑर्किड से भी सुंदर। और ये अगर आप अरावलीज में जाएंगे बहुत कम, कुछ अनटच्ड वैलीज के अंदर ही मिलेगा। वहाँ अरावली का भी नाश मार दिया इन्होंने, केवल कीकर रह गई है अब तो अरावली में, और कुछ दिखता नहीं, कहीं कहीं पलाश दिख जाता है। आप देखिए एक और घोंसला वहाँ पे, दिखा दें एक छोटा सा और घोंसले यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हमें। सो एक सांप वाम भी होता है? नहीं, कोई सांप नहीं हमारे पास, आ जाए इकोसिस्टम। आप देखिए हमारा जो मिनी फॉरेस्ट है मिनी साइज का है, और ऊपर से हमारे पास एक बहुत बिजी राउंड अबाउट चौक है, तो अगर सांप आए तो आए कहाँ से, हर जगह से तो कटा हुआ है, कॉरिडोर कोई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, राइट। अभी देखिए ये जो पेड़ है बड़ी कांटेदार है,
और इस कांटेदार पेड़ को ही पक्षी ने चुना है घोंसला बनाने के, ताकि वो बच सके चील और उल्लू जैसे शिकारी पक्षियों से। आप देखिए पक्षी अपने आप में बहुत समझदार है, वो अपना बड़ा देख के चूज करता है कि उसको अगर घोंसला भी बनाना है तो किस पेड़ पे बनाना है। तो हमें यही ज़रूरत है कि अगर हम पेड़ भी लगा रहे हैं तो कुछ ऐसा लगाए जिससे हाँ हमें विश्वास हो कि उससे पर्यावरण को। यहाँ ये टावर लग गई सर, ये टावर का तो इट इज़ ऑल गिवन बाय सम परमिशंस, तो जिन्होंने परमिशन दी वो जवाब दे पाएंगे। बट हम कोशिश करते हैं कि जितना एरिया टावर के बाद ही बचा सही, राइट, उसको तो हम खाली ना जाने दें, खाली ना जाने दें। और ये आप देख सकते हैं फरीदाबाद, आपको चारों तरफ केला भी दिखेगा, यहाँ पाम भी दिखेगा आपको, और इस तालाब में छोटी मछलियाँ भी दिखाई देंगी आपको। हमारे पास छोटी मछलियाँ हैं, एक्वेटिक में पानी में रहने वाले वाटर स्ट्राइडर, एक स्पाइडर जैसा प्राणी है जो सब यहाँ पे पकड़ के मच्छर खाता है। आप देखिए यहाँ पाए, आपको एक भी मच्छर नहीं दिखाई देगा मिनी फॉरेस्ट के अंदर। उसका कारण यह है कि मच्छर का सोल्यूशन है हमारे पास। सोल्यूशन क्या है? मेंढक, ड्रैगन फ्लाई है इसमें। हाँ, मेंढक है। अब देखिए हम कब तक अपने शहर और हवा के अंदर पेस्टिसाइड घोलते रहेंगे अगर मच्छरों, पहले डेंगू मलेरिया इतना नहीं होता था, कारण यह था हमारे पास तालाब होते थे, तालाबों के अंदर छोटे छोटे जीव होते जो मच्छरों को खाते थे। हाँ, वो सिस्टम तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया हमने। आप देखिए ये मिसवाक का पेड़ जिसका हम टूथब्रश करते हैं, हम अगेन इसको खो चुके हैं अपने शहरों से। तो टाइम है, कुछ कुछ अरावली की पहाड़ी के अंदर एक आध पेड़ मिल जाता है हमें इसका उगता हुआ, तो वहीं से हमें पता लगा कि हाँ ऐसे भी पेड़ थे जो उगा करते थे हमारे शहर, उगा करते थे हमारे शहर में। ये देखिए कितने सारे फल लदे हुए हैं, इसको चमरोड़ या दतरंगा बोलते हैं, अगेन खतरे में पड़ी प्रजाति है, ये आपको शहर में और कहीं नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ अरावली के अगेन कुछ हिस्सों में देखेगा। हमने इसको पहचान के फिर लेके आए और आप देखिए किस तरह से यहाँ पे फल पक रहे हैं, तितली और आ रही है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से फल पक रहे हैं ये सब प्रोटीन हमारी चिड़ियों और आने वाले चूज़ों के लिए है। आप देखिए जिस टाइम पे चिड़िया को घास चाहिए घोंसला बनाने के लिए, उस टाइम पे उसको घास मिलती है। देखिए ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन, ये मेल है और वो कैसे फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए वहाँ पे अपना शो कर रहा है। ये देखिए ये मेल है, ये बांग्लादेश की नेशनल बर्ड है, ये जो वाइट और ब्लैक कलर की है, ये बहुत बड़ी सी। उसके पीछे बुलबुल की चिड़िया आनी चालू होगी, वो ऊपर बुलबुल बैठी है, वो घोंसला बना रही है वहाँ पर। सो यही आते जाते अब पक्षियों का बेस्ट फेवरेट स्पॉट पड़ गया हमें। चिड़ियों की आपस में लड़ाई होते भी दिखाई देती है, कौन कंपटीशन है, बेस्ट एरिया किसको मिले। तो उस तौर पर एज अ प्राइम हैबिटेट बन के आया। देखिए सर्टिफिकेशन सर्टिफाई करना बड़ा इजी है, जंगल अच्छा है जंगल बुरा है, बट हमें प्रकृति की भाषा सुननी चाहिए कि प्रकृति पे किसने एक्सेप्टेंस लगाई। ये देखें इसको वज्रदंती बोला जाता है, वीको वज्रदंती जो हम बनाते हैं वो इसी पौधे से। वज्रदंती के अलावा ये देखें, ये जो आप कह लें कि ये पराग कण है और यही उड़ के जाते हैं, चिड़िया ले जाती हैं इन्हें और ये बीज दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। ये देखें ये मधुमक्खियों का भी यहाँ पे आना जाना रहता है बहुत सारा। अब तो छोटी छोटी प्राणी हैं, इन्हीं को बचाना है, इन्हीं का संसार है और हम इंसान भी इन्हीं के वजह से। और इस तरफ भी कुछ हैं, ये छोटा सा तालाब है हमारा। अच्छा। ठीक है, इसको हमने दो तरह के तालाब बनाए, एक एक गहरा एक छिछला। तो ये छिछला तालाब है जहाँ पे पानी का लेवल थोड़ा नीचे रहता है और उसका और एक गहरा है। कितना फुट गहरा? ये गहरा होगा कम से कम 4 फुट गहरा होगा सर। और उसका कारण ये है कि जो गहरा तालाब होता है वहाँ पे हमें अलग तरह के पौधे देखने को मिलते हैं और उसी तरह से अलग तरह के वहाँ पे पक्षी आते हैं, यानी कि जो गोताखोर हैं पक्षी, जैसे किंगफिशर हो गया, राइट, वो इधर गोता लगाते हैं। किंगफिशर यहाँ पे सर इस डाली पे बैठता है हमेशा, रोज़ सुबह 8 बजे का उसका टाइम है। अच्छा। यहाँ पे वो बैठ के हंटिंग करता है, आराम से खूब खाने को है उसका। सामने एक पीपल का पेड़ है हमारे पड़ोसी का, उसके ऊपर उसने घोंसला लास्ट ईयर बनाया था, इस साल हम उम्मीद करते हैं फिर बनाए। आप देखिए ना केवल फॉरेस्ट के अंदर बट पूरे पड़ोस के अंदर चिड़ियों की चहचहाट धीरे धीरे बढ़ रही है। सो ये खाली जो इसका इम्पैक्ट है इस जगह, इस जंगल तक ही सीमित नहीं है, ये आसपास की जो सराउंडिंग्स वहाँ पे भी है। और सुंदरता जो इसकी आती है वो एक बात में अलग है। आप देखिए पतझड़ है, पतझड़ में पत्तियाँ झड़ती हैं, हम पत्तियों को ढेर लगा के आग लगा देते हैं। इस जंगल के अंदर पत्ती का एक टुकड़ा भी बाहर नहीं जाता, वो जंगल के अंदर ही रहता है, जंगल के अंदर ही सड़ता है और वहीं पे खाद बन जाता है। और आप देखिए उन्हीं के अंदर कीड़े छोटे छोटे रहते हैं जिनको चिड़ियाँ खाती हैं। जुगनू हम शहर से खो चुके हैं और जुगनू को इसमें जुगनू बरसात में दिखाई देता है। आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, जब जहाँ पे जुगनू दिखे बरसात के अंदर, वो 10 दिन ऐसे होता है दिन रात बैठ के यहाँ पे, रात में खासकर जुगनू की हम वेट करते हैं। और जुगनू क्यों? जुगनू अपना सारा जो साइकिल होता है वो पत्तों के नीचे बताता है। वो सिर्फ बरसात का प्रजनन का टाइम होता है जब वो बाहर आता है और चमकता है एक दूसरे को बताने के लिए कि हाँ हम कहाँ हैं, राइट। बट अगर हम पत्ते ही खो देंगे तो हमने एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है अपना इकोसिस्टम का वो खो दिया। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और पर्सनैलिटीज़ के साथ, ऐसे ही और व्यक्तित्वों के साथ
जो लगातार कोशिश कर रहे हैं इस शहर में धरती को बचाने की, और कोशिश ही कहूँगा मैं, मतलब आप ये समझें कि इनका गिलहरी जैसा प्रयास है, लेकिन उम्मीद है कि ये प्रयास कामयाब होंगे। जोड़ेंगे फरीदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद।